आज रॉयल्टी पर सरकार द्वारा जारी किए गए नए शासनादेश के विरोध में परिवर्तित ठेकेदारों द्वारा शहर में महारैली का आयोजन किया गया। हम सरकार से पूछना चाहते हैं जो केंद्र के जो ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं रेलवे का, इसमें उन्होंने रॉयल्टी माफ करी, ऑल वेदर में रॉयल्टी माफ करी, इसकी गाज हम पे गिर रही है। जब आपने करोड़ों के ठेकेदार को आप रोटी माफ कर रहे हो, अच्छे ठेकेदार की रोटी देता है, देने के बावजूद भी पांच गुना बोल रहे हैं, तो अपने बच्चों को कहाँ भेजेंगे? ये ठेकेदार जो लोग हैं सड़कों पे आ गए हैं, और जो मात्र एक व्यवसाय था, जो हमारा रोजगार था और ठेकेदारी है, और ये भी खत्म हो गया। अब हमको शायद छोड़ के कहीं दिल्ली जाना पड़ेगा, कहीं जाना पड़ेगा, और उनकी मार खानी पड़ेगी अन्य प्रदेशों की। इसलिए हम बहुत विरोध करेंगे। सरकार से रिक्वेस्ट है, सभी ठेकेदार संघ की रिक्वेस्ट है कि कृपया ये काला कानून वापस लीजिए। धन्यवाद। इस दौरान ठेकेदारों के अध्यक्ष संतन सिंह ने कहा कि उन्हें प्रधान संगठन द्वारा जिला पंचायत का समर्थन दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा रॉयल्टी पर नए शासनादेश के जरिए पहाड़ी क्षेत्र के छोटे ठेकेदारों को खत्म करने का काम किया जा रहा है। साथ ही यह भी बताया कि शासनादेश में जो शर्तें रखी गई है वह छोटे ठेकेदारों के विरोध में है। पत्रकार भाइयों, अभी ये सोच रहे थे कि दो आदमी तीन आदमी जो है धरना स्थल में बैठ रहे हैं। एक कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आया कि रॉयल्टी है क्या है, हमारी समझ में भी नहीं आई थी, पर जब हमने लोगों की सलाह ली तो उन्होंने कहा रॉयल्टी ये है। जिन्होंने रॉयल्टी की शर्तें रखी है, कठोर शर्तें रखी है, 2 लाख रुपए का फैन पड़ेगा, मतलब 2 लाख का पाउंड है और 4 लाख रुपये फैन पड़ेगा। ये 18 से लागू कर रहे हैं, ये रॉयल्टी सरासर हमारे पक्ष में नहीं है। अभी तो इसका भारी विरोध होगा, उत्तराखंड में लगभग इसका विरोध हो चुका है, देहरादून में भी इसको परसों विरोध, उनको अल्टीमेटम दे दिया गया है प्रमुख अभियंता को, वहाँ भी कार्यालय बंद होंगे, आगे और लड़ाई है, अभी आप देखते जाओ। ठेकेदारों द्वारा जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा गया है और कहा गया है कि यदि सरकार अभी भी नहीं मानी तो ठेकेदारों द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार व प्रशासन की होगी। ठेकेदार संघ जो है उनके सभी प्रतिनिधियों के द्वारा जो है आज जनपद में एक रैली निकालकर शासनादेश में जो रॉयल्टी के संबंध में निर्देश प्राप्त हुए हैं उसको लेकर अपना विरोध दर्ज कराया है। उन्होंने ज्ञापन भी शासन को संदर्भित करते हुए यहाँ प्रस्तुत किया है, उनका ज्ञापन स्वीकार किया गया है और उनका प्रकरण को शासन को संदर्भित किया जाएगा। उनसे अनुरोध किया गया है कि अपना जो भी आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं इसको शांतिपूर्वक संपन्न करें और किसी भी सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न ना करें, तो उससे जो है जनपद में व्यवस्था भी बनाई जा सकती है। न्यूज़ स्टूडियो उत्तराखंड के लिए पौड़ी से प्रदीप राठी की रिपोर्ट।